नमस्कार आदि कुकिंग एक्टिविटीज चैनल को समस्त अनेक अनेक स्वागत। आज आम एकदम भोजी परी स्वादिष्ट छेना तरकारी बनैब से पी घरे केवल घरे बेसिक सामग्री रे नहीं झंझट नहीं टेंशन फुल बिंदास रे छेना तरकारी प्रस्तुत करी होटल ठारु भी स्वादिष्ट। आपण माने एही परे प्रोसेस रे एही सब इनग्रीडियंट्स रे छेना तरकारी बनातु देखिबे एकदम टेस्टी। ए देखंतु छेना बॉलटी पूरा नरम आ स्पंजी हेजी। आ एही रेसिपी को आपण माने घरे थरे बनेले यार टेस्ट भूली पारिबेन। तबे चलंतु आज रेसिपी आरंभ करबा। एबे गैस ऑन करबा। गैस ऑन कर सला पर सेतिरे मु 1.5 लीटर खीर बसेने छी। खीर को भला की गोळाई दबा। खीर अल्प फुटी आसला पर सेतिरे 2 चम्मच विनेगर ऐड करबा। विनेगर ऐड करबा मात्रे खीर टिकु भला की गोळाई दबा। गैस रो फ्लेम को मीडियम रखि नबा। एबे ए देखंतु छेनाटी भल कि छिंडी आसलानी। छेना आमर प्रस्तुत हो गलानी। एबे आमे गैस को बंद कर दबा। गोटे छणा रे आमे छेना को छाणी नबा। आपण माने कॉटन कपड़ा रे छाणीबे ना नाही तो छणा रे छाणी देबे। ए चम्मच रे टिके चापी चापी दबा जेमती छेना पानी तक बाहर जीव। एही छेना पानी को नष्ट करिवेनी। एथे बहुत सारा प्रोटीन विटामिन सब अछि। अटा चकला बेले छेना पानी रे अटा चकर नेबे। एठे देखनु छेना को टिके धोई दबा भल पानी रे कारण विनेगर रे आमे छिंडेई देले भल कि प्रेस कर नबा। यार पानी गुड़िक सब बाहर जीव। विनेगर रो स्मेल आउ आसिबनी। एबे याकु गोटे प्लेट को काढ़ी दबा। एठे देखंतु मो पाखापाखी 300 ग्राम छेना नै छी। प्रथमे छेना को गुंड गुंड कर दबा। तापर गोटे मिक्सर जार रे 2-3 थर चलाई दबा जा द्वारा छेना भल कि चिकन हो जीवो। एबे गोटे मिक्सर जार रे जो छेना को 3 थर खंडे बुलाई दबा। एर देखंतु छेना टी भल कि चिकन हो जाई पूरा प्लेन हो जाई आ स्पंजी हो जाई। आपण माने ग्राइंडर रे बुलाइबे नल नाही हाथ रे 10-15 मिनट पर्यंत भल कि चकड़ी नेबे। एर देखंतु छेना टी भल कि चिकन करी बाटी जाई छी। एबे आमे सेतरे गोटे चम्मच मैदा दबा। मैदा टी भल कि बाइंडिंग कर रखिबो सेति पई मैं गोटे चम्मच मैदा पकई दउ छी। मैदार क्वांटिटी बेसी देबे नाही। मैदा को भल कि गोळाई दबा। जदि आपण माने छेनार क्वांटिटी बेसी नेउ छंदी सही हिसाब रे मैदार परिमाण को कम बेसी करि परिबे। एटे देखंतु मैदा आ छेना सहित भल कि मिक्स हे गेलानी। एबे छेना को छोटो छोटो करी छेना बॉल बनेबा। तापर यह को फ्राई करबा। यह छेना बॉल बनेला बेले गोटे कथा मन रखिबे जेमिति छेना बॉल रे क्रैक रहिबनी। एही परि भाबरे सब तक छेना को एही परि बॉल बने नेबे। एटे देखंतु एही परि बॉल बनेबे। एबे छेना बॉल रेडी हे गेला। एबे चलंतु यह को फ्राई करनबा। सपटे गैस ऑन करी कड़ाई बसे से रिफाइन तेल गरम कर छेना को फ्राई कर नबा। ये देखो तेल टी भल कि गरम हो गला। गैस रो फ्लेम को हाई फ्लेम रखिए। जिते बड़े छेना पकेबे मीडियम फ्लेम रखिए। ये देखो गैस रो फ्लेम को वर्तमान मु मीडियम रखी गोटे गोटे करी भल कि छेना को तेल रे फ्राई करी। एथिरे कोनसी चामच यूज करी ना कड़ाई एमती बुलाई देवे जमी हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत छेनाटी फ्राई हे। ये देखु चामच रे हल्का हल्का एपट सेपट करदे छेनाटी हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होगा पर्यंत टी छाणी ने काढ़ी देवा। यही पैन रे आम आलु को भाजी नवा। आलु ऑप्शनल अच्छी आपण मान पसंद रे आपण मैंने आलु नहीं पारे नहीं तो स्किप करें। आलू को भी सेमती गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यटन टे फ्राई करेंगे। ये देखो गोल्डन ब्राउन कलर हो गला। एबे यहाँ गोटे प्लेट को काढ़ी दबा। एबे अवशिष्ट तेल जीक अच्छी एवं काढ़ी दबा। जीक आम ग्रेवी आवश्यक से अनुसार तेल यूज करवा। ये चलतु गोटे मसला पेस्ट बन नवा। ये मुझे 2 शुखला लंका नहीं गोलमरचा 8-10 नहीं अदा 4-5 खंड नहीं रसुण 12 खोला नहीं जी। एठी मो प्याज नहीं जी 2 चॉप कर रखी जी। 2 प्याज को मुझे काटिक रखी जी। एबे एठी देखो तो घंटे आगलारु मुझे धनिया गोटा धनिया को मुझे बतुरे रखी थी।
एबे याकु पेस्ट बनाई नबा। एठे मु चारुमगज नहीं दुई चामच एठे भी मु दुई घंटा आगिलारु चारुमगज को बतुरे के रखी आपण माने चारुमगज नहीं पारे ना तो काजु ने ना पोस्तक नहीं पारे। एबे गोटे मिक्सर जार रे धनिया चारुमगज अदा रसुण गोलमरीच लंका सब पक सब को पेस्ट बनाई नवा। टमाटो को भी सेमती आम पेस्ट कर नवा। एबे चलंतु ग्रेवी प्रस्तुत करवा। छेना तरकारी बनवाई मुझे रिफाइन तेल नहीं रिफाइन तेल चार पांच चामच पकईजी सब गोटा गरम मसला सब आड कर नौ तेजपत्र दुईट डालचीनी चारोटी गुजराती दुईट लवंग चार पांच टी पकईकी सब भलि हाल्का भाजी नवा। गैस रो फ्लेम को लो रखा। एबे मुझे काश्मीर रेड चिल्ली पाउडर हाफ चामच पकई नौ यहाँ भलि गोलैद गोलैवा भितर आम सांगे सांगे ए पेस्ट पकई नवा। गैस रो फ्लेम को लो रखे बर्तमान ना मसलाटी जलिजी। एबे यहाँ भलि गोल नवा। एबे सेतिरे जीरा पाउडर हाफ चम्मच हल्दी पाउडर हाफ चम्मच पकाई मसला को चार पांच मिनट पर्यंत भलि कुक करिबा। एबे सेतिरे मसला पानी ऐड कर नवा। मसला को से पर्यंत कसिबे जेपर्त मसला रु तेल गुड़िक अलग न होइजी। आठ रु दस मिनट पर्यंत मसला को कसिबा। एबे सेतिरे टमाटो प्यूरी देई दबा आवश्यक अनुसार लुण दबा। एबे मसला को भलकी कसिबा। एबे चलन तो मसला को भलकी घोड़े नवा। चार पांच मिनट पर्यंत मसला को घोड़े नवा। ये देखु पांच मिनट हो गला मसला को चेक कर नवा। मसला देखु मसलाटी हाफ हो गला मसलू तेल अलग हो अल्प पानी दे मसला को पुणी थे चार पांच मिनट पर्यंत भलकी कसि नवा। जेपर्त मसलार तेल गुड़िक अलग न होती से पर्यत मसला भलकी कुक करवा। एबे मसला घोड़े नवा। गैस रो फ्लेम को लो रखिकी मसला को कसी नवा। ये देखो मसलाटी आमर हो आपण मैंने देखिपे मसलार तेल गुड़िक बाहरी गला। एबे से फ्राई कर रखी आलू को देद आलू को पकई सारापर मसला सहित तो भलकी आलू को कसी नवा। दुई रु तीन मिनिट पर्यंत मसला को आलू सहित तो भलकी कुक कर नवा। एबे या को घोड़े दबा तीन मिनिट पर्यंत जमती आलूटी मसलार भलकी कुक हो देखु एका सांगे दुईट काम होपटे आलू भी सीझीज सेपटे मसला भी कसी देखु मसलाटी भलकी हो जा आपण मैंने देखिपे मसलाटी भलकी तेल गुड़िक केमती मसलू अलग हो सारी। मसलू देखिए यही जदि तेल गुड़िक अलग ताले मसलाटी परफेक्टली कसी जाइए। एबे आम से पानी ऐड कर दबा जी आपण मैंने तरकारी रखिए से अनुसार पानी देवे। ये दुई ग्लास पानी ऐड कर फुटापी घोड़े दबा। ये देखु तरकारीटी फुटी आसला। एबे देखु तरकारीटी फुटवा स्टार्ट कला। यही स्टेज रे आमे छेना बल जो आमे फ्राई कर रखी थे बल को पकई नवा। एबे या कुटी के भले गोले दबा याकु पांच मिनट पर्यंत कभर कर दबा। पांच मिनट रु अधिक कुक करिबानी। एबे पांच मिनट हो गलानी चेक कर नवा। ये देखु छेना बल्टी फुलिकी डबल हो जाते कलरफुल केते सुंदर देखा आपण मैंने तो निजे देखिपे आउ इमेजिन भी करते केते टेस्टी थी। एबे देखु आलूटी भलकी कुक हो छेना तरकारी आमर रेडीगला। एबे आम से देढ़ चमच गरम मसला ऐड कर नवा। एबे या गोलैद गैस फ्लेम को अफ करदे यह घोड़ेदे। ये देखु छेना तरकारी आमर रेडीगला। एबे ओडिशार फेमस अर्थेटिक रेसीपी छेना तरकारी प्रस्तुत हो गला। आपण मैंने भात रुटी पूरी जेकोसी आइटम रे गरम गरम खाईपर यह रेसीपी को आपण मैंने घरे प्लीज ट्राए करूँ आ आपण मानक केमी लगला मो सहित सेयार करूँ। एबे यहाँ प्लेटिंग कर नवा।
जदि आपण मानक रेसीपीटी भल लगी मोर वीडियो को लाइक्स करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन को प्रेस करदे जमी नुआ नुआ रेसीपी वीडियो आपण मानक प्रथम पहुँची जीव तेब रही जय जगन्नाथ बाय बाय।